इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी हैं, जो इस समय लिली विलास होटल में एक रक्तदान शिविर द लिली हेल्पिंग हैंड की ओर से आयोजित हुआ है, उसमें बतौर अतिथि पधारे हुए हैं। हम जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनकी टिप्पणी है इस विषय पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम दमन सेठी जी एवं उनके समस्त परिवार को और इनके द्वारा जो संस्थाएं इस प्रकार के नैतिक और अच्छे कार्य कर रही हैं, उनको इस रक्तदान शिविर के लिए आयोजन के लिए मैं उनका आभार ज्ञापित करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। निश्चित तौर पे भारत की आबादी एक सौ चालीस करोड़ होने के पश्चात भी आज भी हम लोग हॉस्पिटल्स में और सब जगह नर्सिंग होम्स में पाते हैं कि ब्लड की कमी पड़ जाती है, कहीं ओ पॉजिटिव नहीं होता, कहीं ओ नेगेटिव नहीं होता, कहीं और सारे ग्रुप्स भी ए बी पॉजिटिव कर नॉर्मल जो भी होते हैं वो भी नहीं होते हैं। उस तो इस प्रकार के कदम उस दिशा में कहा जाए कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास है और रक्तदान एक महादान कहा गया है। और इस द लिली हेल्पिंग हैंड से जुड़ के मुझे भी स्वयं को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी रेगुलर डोनर हूँ, पूर्व में 43-44 बार मैं भी ब्लड दे चुका हूँ और आज पुनः इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बन के मुझे अच्छा लग रहा है और मैं लिली परिवार को और विशेषकर दमन सेठी जी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि सरकार इस समय अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ विशेष कर रही है या उनको किस तरह से बहुत ही आर्थिक उन्नति या राजनीतिक सामाजिक उन्नति की ओर ले जा रही है। देखिए, वास्तव में यह है कि अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, किंतु भारतवर्ष में मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, बौद्ध, इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। पूर्व की सरकारों में कभी भी सिखों को, बौद्धियों को और जैनियों को, जो कि भारत के मूल भाषाई हैं और जो भारतीय धर्मावलंबी हैं, इनको कभी अल्पसंख्यक होने के लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यक वास्तव मायने में क्या होता है यह परिलक्षित करने का प्रयास किया है। आप चाहे विभिन्न गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि हो, गुरुद्वारों की ओर जाने वाले मार्ग के लिए यदि वो जर्जर हैं उसकी व्यवस्था हो, मार्ग प्रकाश कैसे होगा, जैन मंदिरों के आसपास लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त इसी प्रकार बौद्ध मठों की क्या स्थिति है, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ में अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में कैसे हम लोग जो है उसको उच्चीकरण की ओर ले जाएं, तत्संबंध में सरकार विशेष प्रयास कर रही है। सिख समाज की बात करें तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में साहिबजादा दिवस मनाने का कार्य शुरू किया जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को समर्पित था। तत्पश्चात उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया। हम लोगों ने सिख गुरुओं का इतिहास के पाठ्यक्रमों में लाने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसा कार्य जिसमें अल्पसंख्यकों को सहभागिता नहीं मिलती थी, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो टॉयलेट्स देना हो, चाहे रोड्स हो, चाहे कोई भी फैसिलिटीज है, उसमें विशेषकर अल्पसंख्यकों की सहभागिता कैसे हो सके, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे कानपुर का भी एक घटना हुई थी, अमोलदीप की, एक अमोलदीप सिंह नाम के सिख थे, उनके साथ इस प्रकार घटना हुई जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे द्वारा अवगत कराया गया। हम लोगों ने तत्काल उस पर FIR लॉन्च करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की समस्या सदैव सुरक्षित है और हम लोग उस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, जब UPA 2 की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो क्या उनके कहने और करने में क्या देखते हैं, कथनी और करनी एक जैसी थी या कोई अंतर था, या इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मनमोहन सिंह को मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता हूँ, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से और देश का असेट से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने देश को रेवेन्यू दिया, इसमें कोई इसको डिनाइल नहीं कर सकता, लेकिन देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार हो ये अपीचमेंट है। कांग्रेस का शुरू से कार्य रहा है वो सिख विरोधी रही है। 1947 कांग्रेस की देन है, 1984 कांग्रेस की देन है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक ऐसा कार्य जिससे सिखों की भावनाएं आहत हो, कांग्रेस ने किया है। बड़ी शर्म की बात है, अभी 30 नवंबर निकला है और उसके पश्चात यही 1-2-3 नवंबर है जिसमें सिखों का नरसंहार किया गया था 1984 में। आज भी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जैसे उनके नेता वो खुलेआम घूम रहे हैं, किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी गई। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां माननीय योगी जी ने उस पर SIT 38 वर्षों के बाद गठित करा के 73 अभियुक्तों को चिन्हित किया जो कानपुर में नरसंहार हुआ था और 43 से अधिक लोगों को जेल भेजा है, जो वास्तविक न्याय देने का कार्य
कार्य है वो हमारी योगी सरकार और माननीय मोदी की सरकार कर रही है। मनमोहन सिंह वगैरह जितनी भी सरकारें पूर्व में रही हैं, इन्होंने सिर्फ देश का बेड़ा गर्क करने के नाम और अल्पसंख्यक के नाम एक वर्ग विशेष का अपीचमेंट, इसके अलावा कुछ कार्य नहीं किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ परविंदर सिंह जी थे जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं।